हाय फ्रेंड्स, दिस इज सोमी एंड यू आर वॉचिंग सोमीज टेक टिप। कुछ दिन पहले ही आईफोन 13 सीरीज लॉन्च हुआ था एंड आईफोन 13 प्रो एंड प्रो मैक्स, ये दोनों फोन्स को बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया। मतलब ऑलमोस्ट यूट्यूब पे तो हर टेक्निकल रिव्यूअर इसके सिनेमैटिक फीचर और नाइट मोड को लेके इतना ज्यादा बखान कर चुका था कि ये मतलब अल्टीमेट फोन हो गया है। नॉट जस्ट इन कैमरा डिपार्टमेंट पर, बैटरी डिपार्टमेंट, प्रोसेसर डिपार्टमेंट में, हर जगह इसको अल्टीमेट फोन्स के सीरीज में डाल दिया गया। लेकिन एंड्रॉयड में भी एक ऐसा ही फ़ोन निकला है वीवो की ओर से, जो कि है वीवो X70 Pro Plus। अब ये जो फ़ोन है क्यों इतना खास बन जाता है और कैसे ये आईफोन 13 सीरीज को टक्कर देता है, ये जानने के लिए वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक बेल का आइकन है, उसे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर मैं बात करती हूँ Vivo X70 Pro Plus की, तो एंड्रॉयड में अभी मुझे लगता है कि ये टॉप नॉच है। बाकी कंट्रीज का तो नहीं बता सकती, पर इंडिया में अगर कोई एंड्रॉयड टॉप क्लास का है, मतलब 1 लाख के नीचे, तो मेरे ख्याल से यही फ़ोन है Vivo X70 Pro Plus, क्योंकि ये हर डिपार्टमेंट में टक्कर दे दे रहा है आईफोन 13 Pro Max एंड Pro सीरीज को। अब चलिए बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या क्या दिया गया है। बॉक्स के अंदर एक 65 वॉट्स का फास्ट चार्जर दिया गया है, एक TWS दिया गया है, सिम टूल दिया गया है, कुछ पेपर्स दिए गए हैं, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वीवो ने कोई कंजूसी नहीं की है। एक TWS देना अपने आप में एक अलग सी बात है, अभी तक तो दिया नहीं जाता था लेकिन वीवो ने शुरुआत कर दी है। सेकंड में हम लोग बात करते हैं फ़ोन को, अगर आप हाथ में लेंगे तो एक सुपर प्रीमियम फील देता है। डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, डिस्प्ले 6.7 इंच का दिया गया है, और मुझे लग रहा है कि ये फ़ोन का जो एक्चुअल जो प्रोमिनेंट पॉइंट है वो उसका कैमरा है। अगर आप इसके बैक को देखेंगे तो फ़ोन तो वैसे थोड़ा बड़ा है, और अगर बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप इसको मतलब लॉन्ग कॉल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा ही। फ़ोन ऊपर की ओर से थोड़ा हैवी और हेफ्टी है, तो प्रोलॉन्ग कॉल्स के लिए थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है, लेकिन अगर आप फ़ोन के बैक को देखेंगे तो एक मैट ग्लास फिनिश दिया गया है, तो फिंगरप्रिंट का तो कोई चांस ही नहीं है। और अब अगर उसके ऊपर देखोगे तो वीवो ने एक सिरेमिक प्लेट रखा है कैमरा के साइड में ही, जिसमें प्रो प्लस दिया गया है। इसका मतलब है कि वीवो बार बार बताना चाह रहे हैं कि मैंने खर्चा किया है कैमरा डिपार्टमेंट में, और उसका कैमरा सच में बहुत अच्छा है। मैं इसके ऊपर आऊँगी, मैंने इसका कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा बोला ही है, और मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगी जब मैं कंपेयर करूंगी आईफोन 13 प्रो मैक्स के कैमरा सैंपल्स के साथ। तो इसका डिस्प्ले तो बहुत अच्छा है मुझे जो दिख रहा है, और बेजल्स बहुत कम है। स्क्रीन टू बॉडी जो रेशियो दिया गया है 90% है, जो कि बिल्कुल सही है। 1000 निट ब्राइटनेस दिया गया है, तो फोन का जो कलर सैचुरेशन है बहुत अच्छा है, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। तो डिस्प्ले और स्क्रीन बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, लुक एंड डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है ये है स्नैपड्रैगन 888 प्लस, और अभी एंड्रॉयड मार्केट में ये बेस्ट प्रोसेसर है। तो मैं बता सकती हूँ कि इसका प्रोसेसर बहुत अच्छा है, इसका कैमरा बहुत अच्छा है, इसका बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है, इसका डिस्प्ले अगर आप आईफोन 13 से कंपेयर करने जाओगे ऑलमोस्ट मतलब फील और डिज़ाइन के मामले में पूरा टक्कर दे देता है। कैमरा मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं कैमरा के बारे में एक चीज़ बताती हूँ, इसमें क्वाड लेंस सिस्टम दिया गया है, और इस पर चारों जो लेंसेस है ग्लास के बने हुए, प्लास्टिक लेंसेज मोस्टली एंड्रॉयड फोन्स में यूज़ होता है लेकिन यहाँ पर ग्लास लेंसेज यूज़ किए गए हैं, और सारे लेंसेज में OIS का यूज़ है। ये भी अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग बात है, मतलब वीवो ने बहुत खर्चा किया है इसमें। इसमें एक कैमरा लेंस है 50 MP का, जो जिसमें सैमसंग G1 सेंसर यूज किया गया है, और एक 8 MP का लेंस दिया गया है जिसमें पेरिस्कोपिक जूम दिया गया है। इसके बारे में और भी अगर आपको जानना तो आप डिटेल्स देख लीजिए। इस बार वीवो ने एक और नई चीज लाई है, वो ये है कि V1 चिप यूज किया गया है। अगर आपको पता नहीं होगा तो V1 चिप जो होता है वो फोटोज एंड वीडियोज को प्रोसेस करने में यूज किया जाता है। ये भी अगेन एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है, अभी तक एंड्रॉयड फोन्स में यूज नहीं किया गया है अभी तक तो मार्केट में। और इससे मैं आपको बता सकती हूँ कि गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। स्टेरियो स्पीकर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें दिए गए हैं, तो गेमिंग एक्सपीरियंस एक अलग लेवल का ही होगा। अभी तक IQ के जो फोन्स होते हैं गेमिंग डिपार्टमेंट में काफ़ी आगे बढ़े हैं, लेकिन वीवो यहाँ पर भी टक्कर दे रहा है। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक सिस्टम दिया गया है, जो कि काफ़ी फास्ट है। इसका जो UI है ये फन टच 12 UI है, बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11, और क्योंकि ये वीवो का है इसके अंदर अपने स्पेशल जेस्चर्स के फीचर्स है, जो कि है जैसे हमारा जो हम यूज़ करते हैं थ्री फिंगर जेस्चर जो यूज़ करते हैं स्क्रीनशॉट्स के लिए, तो
ऐसे अलग अलग टाइप के फीचर्स इसमें वीवो यूज कर रहा है, और जहां तक मैंने यूज किया मुझे लगा कि काफी कंफर्टेबल है, क्योंकि अगर आप पहले भी यूज कर चुके हो ऐसे यूआई यूज कर चुके हो तो आप कंफर्टेबल होंगे। इसमें सिर्फ एक चीज प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये एक एंड्रॉयड फोन है तो इसमें ब्लोटवेयर तो होगा ही होगा, लेकिन हम उसमें से कुछ सारे ब्लोटवेयर एंड एड्स को डिलीट कर सकते हैं। अब कुछ मुद्दे की बात मैं आप लोग से करती हूँ। देखिए अभी आईफोन 13 जब से रिलीज हुआ है मेरा तो ऐसा लग रहा है कि हर टेक्निकल रिव्यूअर पोपट टाइप का बिल्कुल बोले जा रहा है कि उसका सिनेमैटिक मोड बहुत अच्छा है, उसका नाइट मोड बहुत अच्छा है, और उसमें सेंसरशिप टेक्नोलॉजी यूज की गई है। मतलब उसको खिताब दे दिया गया है कि उससे ज्यादा अच्छा फोन इस वर्ल्ड में नहीं है। जबकि मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि एंड्रॉयड मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कोई फोन अल्टीमेट फोन हो जाए। इट इज अ कट थ्रोट टेक्नोलॉजी, ठीक है, यहाँ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चलता है। आज जो फोन बेस्ट है कल वो फोन बेस्ट नहीं रहेगा, कोई भी बोले आपको वो फोन बेस्ट नहीं रहता है। तो किसी को भी ऐसा टाइटल दे देना कि वो अल्टीमेट फोन हो गया, अच्छा हुआ कि वीवो ने कॉम्पिटिशन को मेंटेन करते हुए एक ऐसा फोन वो लाया जो डायरेक्टली टक्कर दे दिया एप्पल के फोन्स को। अभी आप कंपैरिजन सैंपल देख लीजिए, मेरे पास कंपैरिजन के बहुत सारे सैंपल्स हैं, यहाँ आप देख। सेंसरशिप टेक्नोलॉजी की बात की जाए जो एप्पल में यूज़ किया गया है, यहाँ पर भी एक न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है जो कि गिम्बल स्टेबिलिटी। अब गिम्बल स्टेबिलिटी मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी, क्योंकि देखिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका फोटो और वीडियो स्टेबलाइज्ड वे में आए, ब्लरी ना हो, तो ही तो फोटोज अच्छे आएंगे ना। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा प्रैक्टिकल वे है, और इसकी हाइपिंग ना भी करें तो भी मुझे लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू सेंसरशिप टेक्नोलॉजी। अगर आपको लगता, मुझे जो लगता है जो मैंने कंपेयर किया इन दोनों फोन्स को, मतलब 13 प्रो मैक्स एंड 13 प्रो को अगर मैं कंपेयर करती हूँ X70 प्रो प्लस से, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। सबसे पहले ये 50,000 रुपये कम है, थोड़ा बजट रेंज में है, सांस आई मुझे। सेकेंड, कैमरा डिपार्टमेंट में मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि नाइट मोड में जो कैमरास आए हैं वो भी ज़्यादा बेटर आए हैं, और गिम्बल स्टेबिलिटी को अगर मैंने टेस्ट किया तो उसमें भी कैमरा सैंपल ज़्यादा बेटर आए हैं। थर्ड, अगर मैं बात करूँ तो इसका जो यूआई है वो उतना वैसा ही अच्छा है, लेकिन क्योंकि एंड्रॉयड है तो आपको थोड़े बहुत ब्लोटवेयर मिल जाते हैं। इसका डिस्प्ले जो है आईफोन 13 प्रो मैक्स ऑलमोस्ट वैसा है, आपको लुक फील एंड डिज़ाइन से वैसा वाइब तो आ ही जाएगा कि हाँ ये फ़ोन बहुत ज़्यादा एक प्रीमियम क्वालिटी का फ़ोन है, फ्लैगशिप फ़ोन है। लेकिन मैं
आपको ये चीज बता सकते, अगर एक ही डिफॉल्ट हो सकता है वो यही है कि ये एंड्रॉयड फोन है तो आपको उतने रेगुलर बेसिस पे सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं मिलेंगे और अनफिल्टर्ड वे में एप्स आपको नहीं मिलेंगे, बस इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वीवो एक्स 70 प्रो प्लस किसी भी एंगल से कम जा रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो जो मैंने बनाया वो इस इंटेंशन से बनाया कि अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है, बहुत सारे लोग बहुत सारे फोन्स लेंगे क्योंकि हाइपिंग इतनी ज्यादा चल रही है आईफोन 13 सीरीज की, तो मुझे लगा जो लोग शायद इतना महंगा फोन नहीं ले सकते, सारे लोग 1,30,000 का फोन नहीं ले सकते, तो आपको भी इतना राइट है, आपको भी इतना हक है कि आप एक बहुत अच्छा एंड्रॉयड फोन ले सकते हैं। हमारे इंडियन मार्केट में वीवो X70 प्रो प्लस से बेटर मुझे तो नहीं लगता कोई भी एंड्रॉयड फोन है। हाँ थोड़ा सा महंगा है पर सेल में जब आएगा आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ही मिलेगा। आप फोन खरीदने से पहले अच्छे से देख लीजिए, जांच लीजिए और उसके बाद ही आप फोन में इन्वेस्ट कीजिए। वीवो X70 प्रो प्लस इज हाईली रिकमेंडेड बाय मी, ये इस ईयर का वन ऑफ द बेस्ट फोन्स में से एक होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, अगर यूजफुल रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे कनेक्ट कीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए और खुश रहिए।